आपके पास रेडमी नोट 13 है, 13 प्रो है, 13 प्रो प्लस है या फिर कोई और फ़ोन है, तो उसके अंदर जब भी आप ऐसे स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन या कंट्रोल सेंटर खुल जाता है, इस सेट करते हैं तो आपका नोटिफिकेशन सेंटर खुलता है। तो आपको अगर ये वाला अपने फ़ोन में सेट करना है स्टाइल, तो आप अपने फ़ोन में कैसा सेट कर सकते हैं। अगर आपको ओल्ड वाला लगाना है, यानी कि जैसे आप करें तो यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन भी आ जाए, आपका कंट्रोल सेंटर भी आ जाए, वो सेट करना है, तो उसको आप कैसे कर सकते हैं। उसको करने के लिए सिंपली आप जाएंगे सेटिंग में और यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये वाला ऑप्शन नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर, इस पर आपको चले जाना होता है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये वाला ऑप्शन कंट्रोल सेंटर स्टाइल, इस पर आपको टैप कर लेना है। तो यहाँ पर आपको होता है न्यू वर्जन, यानी कि जब भी आप इस सेट करेंगे तो आपका ये वाला ऑप्शन खुलेगा और इधर करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन खुलता है। बट इस पर आप जब कर देंगे तो यहाँ पर आप जब से ही टैप करेंगे, ऐसा स्वाइप करेंगे, तो आपका ये वाला सारा ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर नोटिफिकेशन शो कर जाएगा या आपका ये शो कर जाता है, बीचों बीच किसी भी किनारे से आप इधर से कर दें या फिर आप इधर से कर दें, तो यहाँ पे आपका ऐसा हो जाता है। बाकी न्यू वर्जन का फ़ायदा क्या होता है कि आपको अगर सिर्फ कंट्रोल सेंटर खोलना है तो इस साइड करना है, बाकी मैसेज देखना है तो इस साइड आपको कर देना होता है। करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाता है नोटिफिकेशन सेट, इस पर आपको जाना है। तो यहाँ पर आपका एंड्रॉयड का दिया जाता है और यहाँ पर आपका मिनी का दिया जाता है, MIUI का, ठीक है, यानी कि आपका MI का होता है, बाकी ये आपका एंड्रॉयड का होता है। तो MI वाले पे जाएंगे तो यहाँ पर आपका कुछ भी दिया जाएगा या नोटिफिकेशन मैसेज आता है तो ये लार्ज दिखता है और इसका काफ़ी डिटेलिंग शो करती है। बाकी इस पर करते तो यह काफ़ी आपका स्मॉल शो करता है। तो कुछ इस तरह से आप अपने फ़ोन में कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।